नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी करें। आज मैं आप सभी के परिप्रेक्ष्य में जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, जिन सभी बंधुओं का, जिन सभी मित्रों का लोअर मेंस की आपकी परीक्षा लगी हुई है, उनमें तीन बिंदु आपके दिए हैं, बैंकिंग, बही लेखन और लेखा शास्त्र। इन्हीं तीन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या होता है ये, और किन आधारों पर आपसे, यानी इस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी परिचर्चा आपकी शामिल है, तीनों पर बहुत अच्छे से बात करनी है। यानी ध्यान से अगर आप देखेंगे, इससे पहले का भी व्याख्यान मैंने आपको और इसके बाद के जो बिंदु हैं, इससे पहले जो इंटरपर्सनल आपके इफिशियंसी से सवाल पूछे जाने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, उनका भी वीडियो आपका चैनल पर पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी मिल गई है और इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अन्य जो आपके मुद्दे दिए हैं, जैसे जलोद्भिद वगैरह, उन सबके से संबंधित भी आपकी अगली वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैंकिंग, भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या है, कौन से बैंक आपके कब स्थापित किए गए, इन सबसे सवाल बनेंगे। साधारण सी बात है, इन पे जो सवाल आपके बनेंगे, कक्षा 11 NCERT के आपके ये तीनों टॉपिक हैं, बही लेखन यानी बुक कीपिंग की बात करें या लेखा शास्त्र की बात करें, अकाउंटिंग एक तरीके से अकाउंटेंसी बोल सकते हैं, कक्षा 11 की NCERT की आपकी किताबों के ये तीनों टॉपिक हैं और इन्हीं पर हमें पढ़ना है। कहीं भी आपको मैटर वगैरह नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर इस मुद्दे पर एक वीडियो हो, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी के सामने है। जब हम बात करते हैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग, भारत में बैंकिंग अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले हमें जानना होता है बैंक होता क्या है, जिससे ये आपकी टर्मोलॉजी जुड़ी हुई है बैंकिंग। बैंक एक ऐसी आपकी जो है वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्था है, जहां जनता से धनराशि जमा करने एवं जनता को ऋण देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपका इंस्टीट्यूट, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो जनता से, पब्लिक से पैसे लेती है, अपने पास जमा करती है और पब्लिक को अपने पास से ऋण भी उपलब्ध करा देती है, यानी लोन भी हमें मिलता है और हम अपने पैसे को वहां जमा भी कर सकते हैं और जमा किए गए धनराशि पर हमें ब्याज मिलता है। और जब हम लोन लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि पैसे के उपयोग के कारण, पैसे का जो हम उपभोग करते हैं ऋण लेकर, उसकी वजह से हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। बैंक, किसी व्यक्ति ने पैसा जमा किया तो उसके पैसे को अपने पास रखेगी और उसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण दे देती है, और उस व्यक्ति से जिसको ऋण देती है उससे आपकी ब्याज लेती है उस पर और आपको ब्याज देती है। इस हिसाब से बैंक का पूरा प्रोसीजर चलता है और इस टर्मोलॉजी को हम लोग बैंक के अंतर्गत जानते हैं। पहला आधुनिक बैंक की अगर हम बात करें कि विश्व में पहला आपका मॉडर्न बैंक कहां खुला था, तो यह बैंक खुलता है इटली के जेनका में 1406 में। ठीक है, 1406 में सबसे पहले आधुनिक बैंक की अगर बात करें, जैसा आज के बैंकों का सिस्टम चलता है, तो इटली के जेनका में सबसे पहला बैंक खुलता है 1406 में और इसका नाम क्या रखा गया, बैंको दी सैन जियोसोरियो से। ठीक है, सर जॉर्ज इनमें नाम के साथ जुड़ा हुआ था। यह बैंक का आपका पूरा का पूरा नाम था, जो कि इटली में 1406 में सबसे पहले मॉडर्न बैंक आपका खुला था। यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला बैंक आपका कौन सा था, तो यह बैंक आपका था इटली में स्थापित, 1406 में स्थापित, बैंको दी सैन जियोसोरियो नाम याद रखिएगा, लास्ट में इनमें सर जॉर्ज का भी नाम जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं भारतीय बैंकिंग इतिहास की, तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था, तो जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1786 में खोला गया, 1786 में भारत में पहला बैंकिंग आपका जो है, पहला एक व्यापारिक बैंक खुला, जिसका नाम दिया क्या गया जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और 1790 की जब हम बात करते हैं, 1790 की बात करते हैं, तो 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है यूरोपियन बैंक, वो समय ये धीरे धीरे अपने हिंदुस्तान में भी प्रसार कर रहे थे, बैंक आपके यूरोपियन ही थे, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये व्यवस्था आपकी धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। भारतीयों द्वारा जो प्रबंधित समितियां थी, यानी ऐसी समितियां जिनको मैनेज इंडियंस करते थे, इनका दायित्व तो प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। ठीक है, ये सभी के सभी अवध कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत चलते थे और जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। अवध कॉमर्शियल बैंक की ये प्रथम भारतीय बैंक की अवधारणा हम देख सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी अपने यहां एक तरीके से जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तौर पर आप समझ सकते हैं, ये सारी की सारी उस समय भारतीयों के द्वारा जो मैनेज किया जाने वाला बैंक था, वो 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक था। 1894 में स्थापित किया गया आपका PNB, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से जो है प्रबंधित पहला बैंक आपका था।
प्रश्न में देख लीजिएगा लैंग्वेज आपसे पूछ क्या रहा है। अगर लैंग्वेज के जगह पर आपसे पूछे कि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था, तो वो आपका पीएनबी होता है, जो कि आपका 1894 में स्टेबलाइज हुआ, स्थापित हुआ। 1806 में जब हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। अब इससे आपके मैचिंग भी बन सकते हैं, इससे जो क्वेश्चन बन सकता है आपका मैचिंग का सीधा सीधा बन सकता है। ठीक है, इधर बैंकों के नाम लिख दे, इधर स्थापना वर्ष लिख दे, इससे पहले लोक सेवा आयोग में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से इसमें जो आपका प्रश्न बन सकता है क्या कह रहे हैं कि एक तरफ बैंक लिख दे और एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष लिख दे, वहां से आपको सुमेल करने को बोल सकता है। 1914 में इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाया गया और इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन्हीं तीनों बैंक को मिलाने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1914 में बना और इसका अस्तित्व आज भी है, हम लोग इसको बड़े अच्छे पैमाने से जानते हैं, लेकिन इसका नाम बदल चुका है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1914 में आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों के मर्ज के बाद आपका बना, वो कहलाए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो मर्ज हुआ वो हुआ 1914 में। 1 जुलाई 1955 को जब अपने यहां राष्ट्रीयकरण चल रहा था, तो राष्ट्रीयकरण के नाम बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका आजकल हम लोग बहुत व्यापक तौर पर उपयोग करते हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम किसमें आया, अब ये SBI के तौर पर जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर। 1 अप्रैल 2017 को SBI के 5 सहायक बैंक, प्रारंभ में 1959 में इसकी संख्या 8 थी लेकिन बाद में अब 5 बची थी, तो 2017 में जो इसके 5 आपके सहायक बैंक थे जैसे, ठीक है, और साथ ही साथ जो भारतीय महिला बैंक है 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, इनका विलय SBI में कर दिया गया, यानी 5 इनकी शाखाएं और एक आपका जो भारतीय महिला बैंक था, 6 इसकी जो आपकी 5 इसकी जो ब्रांचेस थी और एक आपका भारतीय महिला बैंक, सभी का मर्ज कर दिया गया, किसमें कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में इसको मर्ज कर दिया गया, और ये आपका 2017 में हुआ है। अब इस पर लेटेस्ट भी आपके, चूंकि ये करंट का भी आपका टॉपिक है, लगातार सरकार के इस समय दशाएं आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट लगातार बैंकों को राष्ट्रीयकृत, धीरे धीरे लगातार बैंकों को खत्म करती जा रही, चाहे RRBs की बात किया जाए या फिर आपके जितने भी अदर बैंक हैं, इन सभी में लगातार आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पूंजी निकालने के लिए कुछ ना कुछ बड़े चांसेस इसमें बड़े परिवर्तन कर रही है। ध्यान दीजिएगा, SBI राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है क्योंकि शुरू से ही ये राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो यहां से प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। अपने यहां राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है। अपने यहां राष्ट्रीयकरण की जब बात करते हैं तो 2 चरण होते हैं। फर्स्ट स्टेज की जब हम बात करते हैं तो उस समय ये 19 जुलाई 1969 को संपन्न किया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपने यहां किया गया था। तो ये प्रश्न पूछता है कि प्रथम चरण के अंतर्गत कितने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 आपके ऐसे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण आपका 1969 14 जुलाई को किया गया था। दूसरी बात यहां से निकल के आती है कि इसमें कौन से बैंक शामिल थे जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है, जिनके पास जो आपकी जमा पूंजी थी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन सारे बैंकों को मर्ज किया गया और इन सभी को, मतलब मर्ज नहीं, इन सभी को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संज्ञा में रखा गया। ठीक है, पहले चरण के अंतर्गत अगर राष्ट्रीयकृत बैंक देखा जाए, अब यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वह बैंक है जिसका पहले चरण के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो 14 बैंकों में अगर देखा जाए, प्रयास करिएगा कि ध्यान रहे, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, ये 14 आपके ऐसे बैंक हैं जिनका आपका 1979 14 जुलाई में क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, द्वितीय चरण की बात करते हैं, तो ये संपन्न होता है लगभग आपका 1980 की बात है, 15 अप्रैल 1980 को आपका द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसमें पहले वाले में 50 करोड़ पूंजी के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसमें आपका 200 करोड़ ऐसे बैंक जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में किया गया, यानी कुल मिला के 20 आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रथम में आपके 14 बैंक आते हैं और द्वितीय आपके चरण के अंतर्गत 6 बैंक। प्रथम चरण के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, द्वितीय चरण में
जो है राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले बैंकों की जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है, दोनों में टारगेट अलग अलग फिक्स किया गया और दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत होने वाले जो 6 बैंक हैं, आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध और विजया, ये 6 बैंक आपके द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या किए गए, द्वितीय चरण के अंतर्गत इनको नेशनलाइज किया गया। तो कुल मिला के 20 बैंक आपके 1980 तक हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाते हैं। इसके बाद भी लगातार परिवर्तन, अभी परिवर्तनों का दौर जारी है। सितंबर 1993 की बात करें तो इसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ, किसमें, पीएनबी में विलय किया गया, पंजाब नेशनल बैंक में यहां से मर्ज हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और 1 अप्रैल 2019 की भी बात करते हैं तो विजया बैंक और देना बैंक का आपस में विलय करके किसमें विलय किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। देना बैंक और विजया बैंक का आपस में विलय करके इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये 2019 की बात है। उसके बाद जब हम बात करते हैं 30 अगस्त 2019 को, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बैंकों के एक और विलय की घोषणा की गई। और यह विलय किसमें होता, यह विलय जो आपका किया गया, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, ठीक है, पीएनबी जो आपका था और यूनाइटेड बैंक ऑफ जो इंडिया था, इन तीन का आपस में विलय हुआ, इन तीन का आपस में विलय किया गया। और दूसरा सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक का आपस में विलय किया गया, आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक, इन तीन का आपस में विलय किया गया, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूं। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का आपस में विलय हुआ। ये इस तरीके से अभी 2019 में आपके सारे विलय की नीतियां चली हैं। 2020 में भी आपके जो है कुछ बैंकों का फिर से विलयकरण हुआ। तो इसमें 1 अप्रैल 2020 ये जो आपका विलय हुआ 2019 वाला, ये प्रभावी होता है 1 अप्रैल आपका 2020 से। और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई। आपसे ये प्रश्न बिल्कुल पूछ सकता है कि वर्तमान में सार्वजनिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर एक तरीके से, बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है, 12 के अंतर्गत SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको, PNB, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, या इंडिया ओवरसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आपका पंजाब एंड सिंध, इंडियन बैंक, कैनरा, ये 12 बैंक बसते हैं जिनको हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के तौर पर जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से बैंक होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह बैंक होते हैं जिनमें आपकी जो शेयर धारिता 51% या इससे ज्यादा किसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर धारिता है, ठीक है, शेयर होल्डिंग, वो 51% मिनिमम और ज्यादा ही होता है, लेकिन मिनिमम आपका 51% किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, अदर लोगों का भी रहता है, वो सारे के सारी चीजें आपकी 49% में चलती है, लेकिन 51% मिनिमम धारिता जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, तो ऐसे बैंकों को हम लोग नेशनलाइज बैंक के तौर, पब्लिक बैंक के तौर पर जानते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक। अब गवर्नमेंट यही तो कर रही, जिन जिन कंपनियों में उसका क्या है, जिन जिन कंपनियों में शेयर होल्डर बनी है, यानी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उसमें गवर्नमेंट अपने शेयर बेच रही है, और शेयर बेचने के द्वारा क्या कर रही है, पैसे को इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट। इस समय जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि ये जो है कंपनियां बेची जा रही, तो गवर्नमेंट वहां क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने शेयर घटा रही है, अपने शेयर घटा रही है, और उन शेयरों के द्वारा वो क्या करती है, उन शेयर के द्वारा अपनी कैपिटल को मजबूत कर रही है, पूंजी इकट्ठा कर रही है। आगे इसमें बात करते हैं कि बैंकों के अपने यहां प्रकार कितने हैं। तो बैंक की अगर हम बात करें, तो बैंक आपको मिलते हैं वाणिज्यिक बैंक के तौर पर, जिनको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, सहकारी बैंक मिलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मिलते हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक मिलते हैं जिनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक बोलते हैं, जैसे SBI, PNB, ये सब आपके हो गए। निजी क्षेत्र के बैंक जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे SDFC हो गया, ICICI हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको हम लोग RRBs के तौर पर जानते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिला बैंक आपके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, विदेशी बैंक बहुत सारे हैं, फॉरेन बैंक अपने यहाँ है, ठीक है, ये सारे के सारे बैंक आपके। प्राथमिक ऋण समितियों की भी अपने यहाँ स्थापना है, चलती भी है, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में सहकारी समितियों से संबंधित बैंकों की देखें तो बाढ़ है एक तरीके से। तो ये आपके कई विभिन्न तरीके के आपके बैंकों के जो है प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक में क्या इनकी आपके खूबी होती है। तो कॉमर्शियल बैंक में ध्यान रखिएगा, इसमें आपके अनुसूचित बैंक और आपके गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित और गैर अनुसूचित का मतलब क्या होता है, यानी एक लिस्ट के अंतर्गत जिन बैंकों के नाम उस लिस्ट में दर्ज हैं वो अनुसूची में है, ठीक है, वो एक सूची में है, वो एक शेड्यूल में है, उसमें लिखे हुए सारे के सारे आपके अनुसूचित हैं। जिनका जिक्र उनमें नहीं किया गया वो आपके गैर अनुसूचित होते हैं।
इनमें फर्क क्या होता है आखिर अनुसूचित और? देखो वो बैंक जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 में 1934 में जो आरबीआई का एक्ट आया, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है, जो आपका इंडियन गवर्नेंस एक्ट रहा 1935 वाला, तो 1934 का जो एक्ट रहा इसकी अनुसूची दो में शामिल जो भी बैंक है इनको हम लोग शेड्यूल बैंक के तौर पर जानते हैं, ठीक है, लेकिन आरबीआई के पास रखने के लिए ये आपके बाध्य नहीं होते हैं। इस जो है साथ ही साथ इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाएगा जिन बैंकों की प्रदत्त पूंजी जो पेड आप जो है कैपिटल है वो आपका और संचित नोस संचित कोष जो होता है इन दोनों में मिनिमम आंकड़ा आपका कितना चलना चाहिए, मिनिमम आंकड़ा 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और आरबीआई को इस बात की संतुष्टि हो कि बैंक का भी कार्यकलाप जमाकर्ताओं के अहित में नहीं है। इधर आप देख रहे थे आरबीआई ने लगातार आप क्या किया गया था, लगातार बैंकों पर जुर्माने ही ठोके हैं, इतने सारे बैंकों पर इधर लगातार आरबीआई ने जुर्माना ठोका है और उससे संबंधित आपका सवाल भी पूछा गया था। जो नॉन शेड्यूल आपके बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल की बात करें तो नॉन शेड्यूल जिनका जो है जिक्र आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची में नहीं है वो सभी के सभी आपके गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, लेकिन इनको एसएलआर की शर्तों को मानना पड़ता है। यहां पर एसएलआर की शर्तों को मानना आपका ठीक है, वो चीजें बाध्यता नहीं होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो आपके गैर अनुसूचित बैंक है ये आरबीआई से उधार जो है नहीं ले सकते, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में इनको उधार आरबीआई देती है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं देती। आपके पास जो जैसा है उस हिसाब से आप मैनेज करिए, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति हो वहां पर आरबीआई इनको लोन प्रोवाइड करती है, यह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आरआरबीज की, जो आपके रीजनल रूरल बैंक हैं, यानी जिनको हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तौर पर जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके क्या होते हैं, इनमें 50% जो आपका शेयर होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का इसमें हिस्सा 50% होता है। 15% की बात करते हैं तो इसमें अदर आपके शामिल होते हैं, और 35% की बात करते हैं तो इसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर भी आती हैं, ठीक है, ये तीन चीजें रहती है। प्रवर्तक स्पॉन्सर्ड जो बैंक होगा 15% के तौर पर इसमें आपका जो है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का आपका जो है पूंजी होती है या शेयर आप बोल सकते हो, और 35% जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा, जो प्रवर्तक बैंक होगा, ठीक है, जो स्पॉन्सर्ड आपका बैंक होता है उसके द्वारा यानी प्रवर्तक जो आपका बैंक होगा, ठीक है, वो उसकी पूंजी आपकी शेयर उसका 35%, 15% राज्य सरकार का और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ऐसे बैंकों को हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तौर पर जानते हैं, ऐसे बैंक आपके आरआरबी के तौर पर जाने जाते हैं। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और आपके स्पॉन्सर्ड बैंक तीनों की इसमें पूंजी होती है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की जाती है, 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश एक ऑर्डिनेंस के द्वारा की गई, ठीक है, और ये आरआरबी एक्ट 1976 बाद में आया था, पहले एक अध्यादेश के द्वारा इनकी स्थापना कर दी गई थी। वो स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। 1976 में आरआरबी का एक एक्ट भी बनाया गया था और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया। कौन कौन से, मुरादाबाद में बात करें गोरखपुर में यानी उत्तर प्रदेश में, भिवानी यानी हरियाणा में, जयपुर यानी राजस्थान और मालदा यानी पश्चिम बंगाल, इन 5 जगहों पर, ठीक है, इन 5 जगहों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सबसे पहले स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश में अपने यहां गोरखपुर में। केलकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 से नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब 1987 में नए बैंकों की स्थापना, नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद हुई तो उस समय आरआरबीज की अगर संख्या की बात करें तो 196 आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उस समय, 196 आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। केलकर समिति ने जब सिफारिश की कि इसको बंद किया जाए, 1 अप्रैल 2020 तक अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2020 तक कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 38 है। कितनी है, 38 है, ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, सहकारी बैंकों की अगर हम बात करें तो सहकारी बैंकों की स्थापना किसानों को अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई। किसान पहले क्या करते थे भाई, खेतीबाड़ी के लिए जो गांव के जमींदार होते थे, महाजन होते थे, इन सबसे पैसे लिया करते थे। पता चला खेतीबाड़ी में नुकसान हो गया तो उनका परिवार हमेशा गुलाम ही रहता था। इन चीजों से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई और ये स्पेशली किसानों को अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और ये बैंक आपके त्रिस्तरीय होते हैं, यानी इनमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं। एक आपका राज्य सहकारी बैंक होता है, केवल राज्य सहकारी बैंक ही आरआरबी से ऋण जो है आरआरबीआई से
ऋण ले सकते हैं, जो राज्य सहकारी बैंक है ये आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। दूसरा जो इनका स्टेप होता है, जिसको हम लोग केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के तौर पर जानते हैं, आप अपने जिले में गौर करिएगा तो एक पुराना सा बोर्ड जिसमें आधा मिट चुका होगा आधा लिखा होगा वो यही लिखा होगा, ठीक है, क्या जो आपका केंद्रीय जिला सहकारी बैंक है। और तीसरा आपकी होती है प्राथमिक ऋण समितियां। सहकारी बैंकों का क्षेत्र राज्य विशेष तक ही सीमित होता है, ये राज्य के अंदर ही आपकी क्या होती है, इनकी विभिन्न शाखाएं होती हैं और इनका कामकाज भी राज्य के भीतर ही होता है। राज्य सहकारी बैंक ये राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है और ये केंद्रीय यानी जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है, खुद आरबीआई से लेता है और जिला सहकारी बैंकों को ये ऋण देता है। अपने पास जो पैसा है आरबीआई के द्वारा उसको उठा के आपके जिला सहकारी बैंकों को देता है और उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है, वो कैसे काम कर रहे हैं, किसानों को कैसे ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर ये आपका सुपरविजन भी करता है, पर्यवेक्षण भी करता है और उन पर नियंत्रण भी रखता है। केंद्रीय सहकारी बैंक की अगर बात करें तो ये बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं और इनके द्वारा दिए गए ऋण की अवधि 1 से 3 वर्ष तक की होती है। जो आपके केंद्रीय जिला सहकारी बैंक होते हैं, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक आपके जिला स्तर पर कार्य करते हैं और ये ऋण 1 से 3 वर्ष के लिए देते हैं, 1 से 3 वर्ष के लिए यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। और किनको? किसानों को। प्राथमिक साख समितियों की अगर बात करें तो ये चीजें आपकी जो आती हैं, प्राथमिक जो साख समितियां होती हैं इनकी स्थापना आप गांव में होती है। गांव के जैसे 10 लोग मान लीजिए इकट्ठा हो गए, 10 लोग हो गए, 10 लोगों ने मिलकर एक समिति बना ली, कमेटी बना ली कि भैया हम सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, 50,000 का एक कोष बना लेते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको दे देंगे और उससे उतने दिन के बाद पैसा ले लिया जाएगा, उससे जमा किया जाएगा। तो ये प्राथमिक जो आपकी साख समितियां होती हैं, गांव अथवा क्षेत्र में कम से कम आपके 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक समिति का निर्माण कर सकते हैं और ये 1 वर्ष के लिए ऋण देती है, ठीक है। गांव के ही आपके या उस क्षेत्र विशेष के 10 लोग मिलकर के, कम से कम 10 लोग हों, एक आपके ग्रामीण जो है इसकी प्राथमिक जो साख समिति है इसका निर्माण कर सकते हैं और ये 1 साल तक के लिए ऋण आपकी देती है। देश में सर्वाधिक सहकारी बैंक कहां पर है? तो देश में सर्वाधिक सहकारी बैंक जो आपको मिलेंगे ये महाराष्ट्र में मिलते हैं, सबसे ज्यादा बैंकों की संख्या वहां पर है। तो ये पूरी की चीजें अभी तक मैंने आपसे बात की बैंकिंग के बारे में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बही लेखक, जिसको आप लोग बुक कीपिंग के तौर पर जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बुक कीपिंग के तौर पर जानते हैं, बही लेखन, ठीक है। एक बही आपकी क्या होती है? एक बही होती है किसान बही, जिसको आप खतौनी के तौर पर जानते हैं, वो भी बही ही कही जाती है, ठीक है, खाता बही। और एक आपका ये बही खाता है या खाता बही है, जिसको हम लोग जो कोई भी व्यापारिक अगर आपकी संस्थान है और व्यापारिक संस्थान को ये देखना है कि हमें कितना लाभ हो रहा कितना नुकसान हो रहा, तो उसके लिए जब तक वो अपना अकाउंट नहीं मेंटेन करेगा तब तक उसको प्राप्तियां और बे के बारे में कोई भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बही लेखन की आवश्यकता क्यों होती है? बही लेखन की आवश्यकता इसीलिए है कि कोई भी व्यापारिक संस्था अगर कोई भी व्यापारिक संस्था अपने क्या कर रही नफा और फायदे को अगर जानना चाह रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस व्यापारिक संस्था को कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत एक अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसके द्वारा वो अपनी प्राप्तियां और बे का जिक्र करता और अंत में उसे पता चल जाता कि हम प्रॉफिट में चल रहे या हम लॉस में चल रहे। तो जब हम बात करते हैं वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में वाणिज्य एवं व्यवसाय के स्वरूप में बड़ी तेजी से परिवर्तन चल रहे हैं। आज व्यापारी एवं वाणिज्य देश की सीमाओं को लांघकर 7 समुद्र पार करके अंतरराष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुका है, ठीक है। आज व्यवसाय की अगर हम बात करें तो हर एक छोटी सी छोटी जगहों की चीजें आपकी दूसरे मुल्कों में भेजी जा रही हैं। आयात और निर्यात इतना ज्यादा प्रबल है कि एक देश की आपकी चीजें दूसरे कहां कहां किन किन देशों में देखने को मिले ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले व्यापार सीमित हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिला, व्यापार की सीमाएं उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं और आज विश्व के लगभग समस्त देशों से समस्त देश आपके व्यापार करते रहते हैं। तो जब व्यापार आपका 7 समुद्र के पार पहुंच गया तो जाहिर सी बात है किसी भी देश की प्रगति का आधार भी व्यापार और वाणिज्य ही होता है। कॉमर्स और ट्रेड जो होता है ये किसी भी देश की क्या है, किसी भी देश की प्रगति का आधार है। अगर आपकी ऐसी इकोनॉमी जहां पर ना आयात हो रहा ना निर्यात हो रहा तो आप जानते हैं कि वो देश आपका क्या होगा, बंद इकोनॉमी के अंतर्गत आता है और हमेशा वहां पर धीरे धीरे लगातार वो स्वयं में ही गिर जाएगा। हमारी ऐसी तो चीजें हैं ना कि हम सब कुछ अपने यहाँ ही प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन कर ले, हमें कुछ चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही रहना पड़ता है।
तो यहां पर जब हम बात करते हैं, इसलिए यह कहा गया है कि आधुनिक युग वाणिज्य का युग है। आज का जो आपका युग है यह किसका युग है? यह वाणिज्य का युग है। विज्ञान की प्रगति के बावजूद भी वाणिज्य ही मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार बना हुआ है। आजकल उनके साथ ही रिलेशन अच्छे होते हैं जहां पर हमारी जरूरत होती है, जहां पर हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, हमारी जरूरत उनसे होती है। हम लोग लाख इस समय देख लें, चाइना से सारे के सारे देश लाख बुरा मान लें, लेकिन चाइना ने इस तरीके से अपने यहां प्रोडक्शन कर रखा है कि उसके द्वारा भेजे गए माल पर बहुत सारे देश डिपेंड हैं। तो हम मुंह फुलाते हुए भी चाइना पर निर्भर रहेंगे। जिस हिसाब से चाइना ने कर रखा है, पूरे के पूरे वैश्विक आपके जो है क्षेत्र पर चाइना के द्वारा भेजे गए माल का कहीं ना कहीं आधिक्य है, वर्चस्व है। इस वजह से चाइना से सारे देश मुंह नहीं मोड़ सकते। उसके बाद जब हम बात करते हैं, प्रत्येक व्यापारी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और वर्ष के अंत में वो जानना चाहता कि उसने कितना लाभ कमाया, क्या खोया, कुल मिलाकर कितने का माल खरीदा, कुल कितने का माल बेचा, किससे कितना धन लेना, किसको कितना धन देना, उसकी पूंजी कितनी है, उसकी पूंजी में पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि हो रही या कमी हो रही, उसकी संपत्ति कितनी है, उसके दायित्व कितने हैं, उसे कितना कर भरना है, ठीक है, कितना उसने ग्रोथ की, उन्नति कितनी की, और इन सभी बातों की जानकारी करने के लिए बही खाता करना बहुत ही आवश्यक है। बुक कीपिंग आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस संदर्भ में अत्यंत पुरानी कहावत प्रचलित है कि पहले लिख और पीछे दे, पहले लिख और पीछे दे, जो भी हिसाब मुझे देना है वो पहले लिख ले, बाद में देते रहियो, देखा जाएगा। तो एक कहावत है, पहले लिख और पीछे दे, भूल परे तो कागज से ले। अगर तू भूल गया तो कागज देख लेना उठा के कितना देना है। ठीक है, आप मिलते हो सामने, अरे राम राम, की हाल है, कुछ देने को रह गया था तुम्हारे? हाँ कुछ रह गया था, बताओ हमको याद ना? अरे भलमानस, जो याद है वही दे दे। इसीलिए कहा जाता क्या कि लिख ले कागज पे, अगर तुझे ध्यान ना तो मिलने पर कम से कम बोल दो सके, ताऊ के है। अब इसमें हम जब बात करते हैं, ये कहावत बही खाता रखने की आवश्यकता और उसके महत्व पर प्रकाश डालती है। यहीं से जरूरी होता है कि भाई एक नैतिक मूल्य भी तो अपने अंदर होते हैं, आप में नैतिक मूल्य भी एक है। उस पॉइंट को भी मैं जिक्र आपसे करूंगा अगले व्याख्यान में। पुस्तक पालन या बही खाता अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? बही खाता अंग्रेजी शब्द बुक कीपिंग का हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों बुक प्लस कीपिंग से मिलकर बना है। यदि इनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बुक से आशय किताब और कीपिंग का आशय रखने से है। दोनों को मिलाकर देखें तो बही खाते से आशय किताबें रखना है, किंतु व्यवहार में केवल किताबें रखने का काम नहीं चलता, उसमें व्यवहारों का लेखा जोखा आवश्यक है। ठीक है, बड़े अच्छे संबंध है, अरे हमारे जो है रिलेशन में आते हैं, दुकान पर जितना माल जाना है भेज दो। पता चला जब हिसाब करने भेजे, तुमने 50,000 का माल भेज दिया लेकिन नहीं रखा है, हिसाब फोन पर हो रहा, उसने बोला ओए कितने माल भेजे हैं, माल तो सिर्फ 25,000 का आया है, अब तुम कुछ कह भी ना सकते भाई। इसीलिए क्या होना चाहिए, इसीलिए जरूरी होता है रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, समझ गए? आज के युग में यही जरूरी है। आगे जब हम इसमें बात करते हैं, बही खाते का अर्थ व्यापार में होने वाले मौद्रिक व्यवहारों को नियमानुसार और सुव्यवस्थित ढंग से हिसाब की पुस्तकों में लिखना है, ताकि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके जिनके लिए लेखे किए जा रहे हैं। ठीक है, जिनके लिए हम लेखे कर रहे हैं, वहां पर पूरा मैनेज कर रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, इसीलिए आपकी बुक कीपिंग बहुत जरूरी होती है। बही खाते को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ विद्वानों के विचार ऐसे हैं, जैसे जब हम बात करते हैं G.A.R. बाटलीवाय, तो इन्होंने कहा पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने की एक कला है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। रॉलैंड ने कहा कि पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। C.R. क्वार्टर ने बताया कि बही खाता उन समस्त व्यापारिक व्यवहारों को जिनमें मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण होता, लेखा पुस्तकों में सही प्रकार से लिखने की एक कला व विज्ञान है। श्री डावर बोलते हैं कि एक व्यापारी की बही खाते की पुस्तकों में क्रय विक्रय के व्यवहारों को वर्गीकृत रूप में लिखने की कला, नाम ही क्या है, बुक कीपिंग है, बही खाता है। ठीक है, तो बही लेखन समझ गए ना, बही लेखन होता क्या। अब इसमें क्वेश्चन दे देगा कि इसको क्वेश्चन को साफ करो, जो है इसका बही लेखा तैयार करो। अरे क्वेश्चन इसके भैया तीन तीन चार चार पेज में लगते हैं, और वहां चीजें क्या रहेंगी, वहां तो ओमार भरना है। आदर्श परिभाषा की अगर बात करें तो भैया बुक कीपिंग यानी बही खाता वो कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा समस्त व्यापारिक
मौद्रिक व्यवहारों का लेखा हिसाब की पुस्तकों में से विधिवत एवं नियमानुसार किया जाता ताकि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके जिसके लिए लेखे किए जा रहे। ठीक है, किसको कितना देना और किससे कितना लेना, ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि राम राम भी बना रहे और दिल के अंदर कोई कसक भी ना रहे। नहीं तो ये सारी चीजें ना, आजकल इतने भी अच्छे व्यवहार है तुम्हारे, सगा भाई अपने भाई को 2 इंच की जमीन ना दे सकता, समझ जाओ। इसीलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का रखना चाहिए इंसान को। बही खाता की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है, अगर इसमें से हम लोग बात करें बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे बही खाता एक कला एवं विज्ञान है। सबसे पहली चीज आपको जानना चाहिए, बही खाता एक कला है और विज्ञान है। बही खाते के द्वारा मौद्रिक व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है। बही खाते के अंतर्गत सौदों के अभिलेखन और वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सौदों का अभिलेखन और वर्गीकरण का कार्य होता है। बही खाते के लिए विशिष्ट ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको विशिष्ट ज्ञान नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है, लिख लो भैया कक्षा 2 का बच्चा है उससे भी बोल दो 50 रुपए आए। ठीक है, 13 ताऊ से 50 रुपए आए, लिख दे। ठीक है, और 40 रुपए उनको गए तो वो भी लिख देगा, सिंपल सी चीज है। इसमें तुमको विशेष नॉलेज ना चाहिए कि तुम MBA पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, MCA किए बैठे हो तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यापारिक व्यवहारों के कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, और बही खाता में व्यवहारों का लेखा करने के लिए निश्चित पुस्तकें काम में लाई जाती हैं। अब बात करते हैं लेखा शास्त्र की, आइए बहुत ढंग से समझिएगा होता क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग जिसको आप बोलते हैं, लेखा शास्त्र की अगर हम बात करें तो भैया क्या आपने कभी सोचा कि आज से कई साल पहले बिजनेस का हिसाब किताब कैसे किया जाता था। पहले भी व्यापार होते थे अपने यहां, तो बार्टर सिस्टम आपको मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा तो वहां तो बार्टर सिस्टम मिलता है ना, तेरे पास चावल है मेरे पास जुत्ती है, और चावल दे दे जुत्ती ले ले, इस हिसाब से चलता था। मेरे पास गेहूं है तेरे पास चावल है, बदला बदली कर लेते हैं, यही चीजें चलती थी पहले बार्टर सिस्टम। फिर उसके बाद फिर मुद्राओं का प्रयोग मिलता, तो जाहिर सी बात है व्यापार होते थे, तो व्यापारों का लेखा जोखा कैसे होता था, कभी इस बात पर गौर किया। जब हम बात करते हैं लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र का जन्म तब से माना जाता जब एक दुकानदार के मन में अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने की जिज्ञासा हुई। ये वित्तीय लेनदेन और शेयरधारकों को व्यवसायिक क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करता। यह एक प्रकार की कला है जिसे व्यापार में अप्लाई करके व्यवसाय को सक्सेस की सीढ़ी पर ले जाया जाता है। व्यापार में अप्लाई करके इसको हम सक्सेस की सीढ़ी पर ले जाते हैं, लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र की अगर डेफिनेशन देखें तो लेखा शास्त्र ज्ञान की एक शाखा जिसमें व्यापार से संबंधित लेन देनों को बही खाता में लिखने तथा एक निश्चित समय के बाद उससे निष्कर्ष निकालने के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। लेखा शास्त्र में पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग एवं लेखांकन यानी अकाउंटिंग को शामिल किया जाता है। लेखा शास्त्र कक्षा 11 में पढ़े जाने वाला एक विषय है और लेखा शास्त्र को अंग्रेजी में अकाउंटेंसी बोलते हैं। लेखा शास्त्र का जो सूत्र होता है, हिसाब प्लस ज्ञान बराबर लेखा सूत्र। हिसाब होना चाहिए और उन हिसाबों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि भैया किसको कितना दिया किससे कितना लिया, वही चीजें हैं लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी सिंपल सी चीज होती है। क्या है लेखा शास्त्र? देखो लेखा शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना, लेखा धन शास्त्र। लेखा से आशय क्या है? हिसाब। और शास्त्र से आशय है ज्ञान, यानी हिसाबों का आपको अगर ज्ञान है तो वही आपका लेखा शास्त्र है। यानी किसी व्यापार में हिसाब का ज्ञान रखना ही लेखा शास्त्र है और ये लेखा शास्त्र का एक परिचय है, अकाउंटेंसी इसी को हम बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी के ही अंतर्गत आपकी बुक कीपिंग भी आती है जो इससे पहले हमने बिंदु को पढ़ा था। अकाउंटेंसी का इतिहास क्या है? ऐसे तो लेखा शास्त्र की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, ठीक है। लेखा शास्त्र में लुकास पैसियो जो है पैसियोली की अहम भूमिका रही है। लुकास पैसियोली एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, इसमें दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे पहले वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा लुकास पैसियोली को, लुकास पैसियोली का संबंध किससे है? अकाउंटेंसी है। इन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहले दोहरी व्यवस्था लेखा शास्त्र की जन्म दिया था, लिखा था। यह पुस्तक गणित की थी जिसे 1494 में प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक के एक खंड में उस समय की पुष्पालन विधि का जिक्र भी किया गया। आप सोचिए 1494 में ही जिक्र हुआ है लेखा शास्त्र का, अकाउंटेंसी का,
पुस्तक पुरानी है लेकिन चीजें नई है। लेखा शास्त्र की आवश्यकता क्यों है आखिर? ठीक है, क्या ऐसा कोई सिस्टम ना जिनसे हम इसका बिना प्रयोग किए भी चीजों को समझ सके? देखो, लेखा शास्त्र हमारे व्यवसाय का एक जरूरी अंग बन गया। ठीक है, जिस प्रकार से घर बनाने के लिए आपकी छड़, सीमेंट, कंक्रीट, बालू आदि की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही बिजनेस को सफल बनाने के लिए लेखा शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जरूरी है बिजनेस में। लेखा शास्त्र एक छोटा सा शब्द नहीं, यह एक शाखा है जो व्यवसाय की सफलता तथा कामयाबी को पता करने में मदद करता है। आज ऐसा हो गया कि लेखा शास्त्र के बिना व्यवसाय की सफलता अधूरी है। आधुनिक युग में मनुष्य बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता भी है कि क्या 420 का तरीका उपयोग करें। और आज हम अगर लखपति हैं तो अरबपति कितना तेजी से बन जाए, हर बंदे के दिमाग में यही चलता है। ऐसे में प्रतिदिन एक नया उद्योग धंधा खुल रहा है, व्यवसाय में लेन देनों की संख्या अधिक है और व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत सारी क्रियाओं को करना होता है। ये क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा याद रख पाना संभव नहीं, इसीलिए लेखा शास्त्र के अंतर्गत पुस्तपालन एवं लेखांकन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 50 लोगों को दिया है, किससे कितना दिया और उसमें से आया भी है, अब वो भी नहीं पता कितना आया कितना गया, दिमाग पकड़ के सर पकड़ के आप रात में बैठ गए। किसी भी व्यवसाय की सफलता की चाबी क्या है? लेखा शास्त्र है। लेखा शास्त्र किसी भी व्यवसाय की सफलता की चाबी मानी जाती है, इतनी ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। व्यवसाय में क्या चल रहा क्या नहीं, सही जानकारी लेखा शास्त्र देता है। पुस्तपालन तथा लेखांकन के बिना व्यवसाय में कितना लाभ हुआ पता नहीं चलता है, क्या लाभ हुआ क्या नुकसान हुआ। व्यापार में वृद्धि करने के लिए लेखा शास्त्र आवश्यक है और व्यापार में आमदनी बढ़ाने के लिए भी लेखा शास्त्र की बहुत आवश्यकता है। जनक कौन माने जाते हैं? तो लेखा शास्त्र के फादर जो है, जनक जो है, लुकास पैसिवोली है। कौन है? लुकास पैसिवोली है, जिन्होंने 1494 में अपनी पुस्तक में दोहरी लेखा व्यवस्था का जो है जिक्र किया था। ठीक है, और इन्होंने लेखा कर्म के संबंध में कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं। लेखा शास्त्र का महत्व क्या है? कोई भी बिजनेसमैन जितना महत्व अपने व्यवसाय के सफलता होने को देता उससे कहीं अधिक व्यवसाय में, व्यापार में लेखा शास्त्र का महत्व होता है। ठीक है, उद्योग धंधों के क्षेत्र में लेखा शास्त्र का क्या महत्व है? लेखा शास्त्र शेयर धारकों को वित्तीय लेन देन के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। लेखा शास्त्र व्यवसाय की चाबी है, बिना इसके बिजनेस सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। इसका उपयोग व्यापक है, जो व्यापार में हो रहे क्रियाओं या हो चुकी क्रियाओं का विश्लेषण में सहायक होता है। कितना नुकसान हुआ पिछले साल, उसके पिछले साल क्या रहा, पूंजी कितनी ग्रोथ हुई, क्या कैसे रहा, ये सारी चीजें लेखा शास्त्र ही आपको बताता है। लेखा शास्त्र की जरूरत सभी व्यवसायी को होती है और ये सबसे बड़ा महत्व है। लेखा शास्त्र व्यवसायिक क्रियाओं का आधार भी होता है। ठीक है, ये तीन टॉपिक आपके हो चुके हैं और इसकी पीडीएफ आपको परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल पर, जो लोग नहीं जुड़े हैं परीक्षा प्लस आप सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जल्द ही इसके अंतर्गत आपके जो जलोद्गुद वगैरह है, एक्वीफर वगैरह है, साथ ही साथ आपके जो जो है मनोव्यवहार है, सामान्य मनो जो साइकोलॉजी के अंतर्गत आपके टॉपिक आते हैं, मनोविज्ञान के टॉपिक हैं, उन पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, परीक्षा प्लस आप सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां पर लिंक लगी है, यहां से आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लोअर के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो परीक्षा प्लस संस्थान की आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप टेस्ट सीरीज भी यहां से ले सकते हैं। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ आगे पुनः मिलेंगे, मस्ती के साथ पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। भगवान और मां शारदे आप सभी का कल्याण करेंगी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।